हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ नए लेक्चर के साथ। मेरे आज के लेक्चर का विषय है सोर्स ऑफ न्यूज़। दोस्तों, कोई भी समाचार इतनी आसानी से तैयार नहीं हो जाता। एक समाचार को तैयार करने में बहुत सारे सोर्स अलग अलग भूमिका निभाते हैं, और इन्हीं सोर्स से तैयार होकर एक समाचार जो है, एक न्यूज़ जो है, वो अगले दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। अब ये सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। इन सोर्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं और मुख्यतः इन्हें कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है। दोस्तों, कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, वो उनकी अलग अप्रोच होती है इनके टाइप्स को लेकर। कुछ जो प्रोफेसर्स हैं उनकी अलग अप्रोच होती है। कुछ इन्हें सीधे सीधे दो भागों में बांट लेते हैं, कुछ तीन में, कुछ चार में। हर किसी की अपनी अलग अप्रोच है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो कोई भी न्यूज़ सोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। इसके अलावा इंटरनेट है, इसके अलावा न्यूज एजेंसीज हैं, इसके अलावा टेलीविज़न है, रेडियो हैं, वो एक अलग सोर्स हैं। लेकिन आमतौर पर मुख्यतः हम न्यूज़ सोर्स को दो टाइप में बांट सकते हैं, एक ऑफिशियल सोर्स मतलब आधिकारिक स्रोत, और दूसरा अनऑफिशियल सोर्स मतलब अनाधिकारिक सोर्स। आधिकारिक सोर्स या ज्ञात स्रोत वो होते हैं समाचार प्राप्त करने के लिए ऐसे स्रोत जिनकी आशा, अपेक्षा या अनुमान हमें पहले से ही होता है। इस प्रकार के स्रोत ऑफिशियल सोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राम पालिका, नगर पालिका, अलग अलग कमेटियों की बैठकें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी सम्मेलन और भी बहुत सारे सरकारी इवेंट्स, वो सारे ऑफिशियल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। अनऑफिशियल सोर्स समाचार प्राप्त करने के लिए ऐसे स्रोत जिनकी आशा व अपेक्षा नहीं होती और जहाँ से समाचार अचानक प्राप्त होते हैं, समाचार प्राप्ति के अनऑफिशियल सोर्स कहलाते हैं। इन्हें कई बार हम अज्ञात स्रोत भी कह देते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वो स्रोत जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, वो अनऑफिशियल सोर्स होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं एक अचानक सड़क हादसा हो गया, तो वो हमारे लिए एकदम अनऑफिशियल सोर्स का उदाहरण होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सोर्स माने जाते हैं, हो सकते हैं, जिनमें से एक सोर्स है संवाददाता। किसी भी मीडिया संस्थान के लिए सबसे सटीक समाचार स्रोत उसका अपना रिपोर्टर ही होता है। रिपोर्टर द्वारा दी गई जानकारी या खबर पर ही संस्थान को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए किसी कवरेज पर किए गए संवाददाता की रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जाती है, और उस कवरेज से जुड़ी जो अलग अलग नोट्स हैं, प्रेस नोट्स हैं, उन्हें नकार दिया जाता है। आजकल लगभग हर मीडिया संस्थान समाचार के बाजार में अपना कब्जा जमाने के लिए अपना रिपोर्टर अवश्य तैनात करता है। एक सोर्स न्यूज एजेंसीज हो सकता है। रिपोर्टर्स के बाद समाचार प्राप्त करने का दूसरा सोर्स न्यूज एजेंसीज भी हैं। देश के दूरदराज इलाकों व विदेशों के विश्वसनीय समाचार प्राप्त करने का यह सस्ता और सुलभ साधन है। अपने देश में मुख्य रूप से चार राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियाँ काम करती हैं। ये हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता और भाषा। UNI और PTI अंग्रेजी की न्यूज एजेंसी हैं, जबकि यूनिवार्ता और भाषा इन्हीं की हिंदी समाचार सेवाएं हैं। इनके अलावा समाचार चैनलों के लिए ANI है, जो वीडियो सेवा उपलब्ध करवाती है। इनके अलावा और भी स्रोत हो सकते हैं जिनको हम ना ऑफिशियल में और ना अनऑफिशियल में काउंट करते हैं, जैसे इंटरनेट। आज के समय में समाचार प्राप्त करने का इंटरनेट एक महत्वपूर्ण सोर्स बन गया है। आज के समय में फेसबुक और ट्विटर जैसे साइटों से भी समाचार मिलने लगे हैं। आजकल नेता समाचार चैनलों पर बयान देने के बजाय ट्विटर पर ट्वीट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थे सोर्स ऑफ न्यूज़। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक रहिए। नमस्कार।